हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कृष्ण झूला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके यहाँ शेयर करूँ। ये झूला बहुत ही सिंपल और इजी वे में बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Given that's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking. झूले को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगी कार्डबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये मेरे पास फॉइल पेपर के से निकले हुए रोल होते हैं, वही रोल हैं। नेक्स्ट मैं ये रेड कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी और फैब्रिक कलर का यूज़ करूँगी और ये झूले की डोरी। सबसे पहले मैं इस बड़े कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी झूले का बेस बनाने के लिए। इसको मैं रेड कलर के इस कपड़े से कवर कर लूँगी। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इसको चिपका लेंगे। फैब्रिक ग्लू इसमें अच्छे से लगाइएगा, जिससे कि बेस में ये कपड़ा अच्छे से चिपक जाए। इसमें मैंने रेड कलर के कपड़े का यूज़ किया है। आप किसी भी कलर के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। नेक्स्ट मैंने लिया है ये फॉइल पेपर का रोल। इसको मैं इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो देखिए, हमने इस रोल को टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है इक्वली। अब इसमें मैं रेड कलर का फैब्रिक कलर करूँगी। इन दोनों रोल्स को मैं एज अ पिलर यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं एक रोल का और यूज़ करूँगी, जिसको मैं ऊपर झूले को होल्ड करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे ये तीनों रोल रेडी हो चुके हैं। इनको तीनों को मैंने कलर कर लिया है और मैंने ये झूले का बेस भी बना लिया है। अब मैं दोनों इन रोल्स को इनमें साइड में ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूँगी। इससे पहले मैं एक लेस का यूज़ कर रही हूँ। एक रोल मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें कैसे इसको चिपकाने वाली हूँ। मैंने एक लेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, जिसको मैं इन रोल्स में चिपका रही हूँ। देखिए मैं इनको कैसे चिपका रही हूँ। मैंने लेस से रोल को इन पैटर्न में कवर किया है। आप चाहें तो कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं। लेस से आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है इस पोल के ऊपर, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ आप भी वही बनाएं। आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप लेस का भी यूज़ करें, आप इन पोल्स को ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं। ये रेड कलर के प्लेन पोल्स भी अच्छे लग रहे थे काफ़ी। तो देखिए, लेस लगाने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको इसमें चिपका दूंगी, इसके बेस में, दोनों पोल्स को, एक पोल एक साइड, एक पोल दूसरी साइड। तो देखिए, चिपकाने के बाद हमारा झूला कुछ इस टाइप से लगेगा। अभी सिर्फ हमने पोल्स को चिपकाया है, इसके ऊपर हम एक रेड कलर का पोल और चिपकाएंगे। अब मैंने जो ये बड़ा वाला रोल लिया है, इसको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर लगा दूंगी। ग्लू गन से ये बिल्कुल भी अच्छे से चिपक जाता है और ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब हम झूला भी बना लेते हैं। झूले के लिए मैंने अगेन उसी लेस का यूज़ किया है और जो मैंने एक छोटा कार्डबोर्ड लिया था, इसको भी मैंने रेड कलर के कपड़े से कवर किया था। तो देखिए, ग्लू गन की हेल्प से इस झूले को भी हम अच्छे से इसमें फिक्स कर लेंगे। तो देखिए, झूले को बनाने का कितना सिंपल और इजी तरीका है ये। ये झूला बहुत ही जल्दी बन जाता है। 10 से 15 मिनट में आप इस झूले को बनाकर रेडी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक सेकंड झूला भी डेकोरेट करना बताऊंगी। एक मेरे पास रेडीमेड झूला था, उसको जस्ट मैंने सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। अगर आपके पास भी कोई रेडीमेड झूला है, उसको भी आप अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रेडीमेड झूला नहीं है, तो इस टाइप का झूला भी आप घर में बना सकते हैं। Thank you.
आइए सेकंड झूले को भी रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक रेडीमेड झूला था, इसमें मैंने बस जस्ट डेकोरेट किया, कपड़ा नीचे झूले के बेस में रख दिया है और मैं लेस से बाकी झूले को भी कवर कर लूँगी। मैं लेस से झूले के फ्रंट को कवर करूँगी क्योंकि मेरे पास जो येलो कलर की लेस थी थोड़ी सी ही थी। आप चाहें तो पूरे झूले को भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा लेस है तो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट में मैं दोनों झूलों के फाइनल लुक को आपको दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।